शहर के लोहापुल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की हालत बद से बदतर हुई है। परिसर का रखरखाव स्वच्छता का अभाव देखते ही बनता है, साथ ही गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस ओर प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि हर साल 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा और इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। एक तरफ जहां मोदी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाने जा रही है, तो दूसरी ओर शहर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के परिसर में सौंदर्यकरण स्वच्छता का अभाव देखा गया है। प्रतिमा के आसपास कचरा और घास बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा था, तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे भी बने हुए हैं, जिस ओर प्रशासन द्वारा ध्यान देने की जरूरत है। 23 जनवरी को जन्मदिन के चलते एक दिन प्रतिमा का रखरखाव किया जाता है, लेकिन आम दिनों देखा जाए तो यह भी हालत बद से बदतर होती है। हम अभी फिलहाल जो है लोहापुल पुलिया के पास में है और यहाँ पर जो है प्रतिमा बनी हुई है सुभाष चंद्र बोस इनकी, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ की जो खस्ता हालत बनी हुई है, इससे आप यहाँ की हालत जो है एक देख सकते हो कि जिस तरह से अभी दो ही दिन है जहाँ पर, जिसके बाद दो दिन मतलब 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस इनका जन्मदिन है और उस दिन यहाँ पे जो है माहौल अलग रहेगा, लेकिन आज अगर हम देखें आम दिनों की स्थिति देखें तो यहाँ पे कूड़ा कचरा भरा रहता है, साथ ही यहाँ पे रखरखाव का अभाव दिख रहा है, सौंदर्यकरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कूड़ा कचरा जो दान रहता है, कूड़ा कचरे का दान वैसे ही यहाँ पे सब जो है पड़ा हुआ है। जहाँ सौंदर्यकरण किया गया है उसकी भी हालत हम देख सकते हैं, वो जो पेड़ है, फाउंटेन लगाए गए हैं, उसकी हालत भी बद से बदतर हुई है। जहाँ वहाँ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उसका भी काम पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ पर फाउंटेन का काम दिख रहा है, फाउंटेन भी नहीं मतलब वो जो काम है वो भी ढंग से नहीं हुआ है। झाड़ जो है रखरखाव के लिए, शो के लिए जो सौंदर्यकरण किया गया है, झाड़ों को भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो सूख गए हैं, मरोड़ गए हैं, और यहाँ पे पूरी तरह जो है घास उगी हमें दिख रही है, और जो बाकी के पेड़ है वो दिख रहे हैं। कहीं भी यहाँ पे जो है रखरखाव नहीं है, सौंदर्यकरण के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 23 जनवरी आते ही उसी दिन के लिए सिर्फ यहाँ पे जो है साफ सफाई की जाती है, ऐसा यहाँ का आलम रहता है। साथ ही हमारे साथ अभी एक महिला है, उनसे हम जानेंगे, वो यहाँ पे हमें दिख रही है कि यहाँ का कूड़ा कचरा उठा रही है, खुद आकर यहाँ की साफ सफाई कर रही है। तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि वो ये आकर यहाँ हर रोज़ करती है या यहाँ पे वो हर रोज़ आकर प्रतिमा जो है उनका पूजा करती है, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे हर रोज़ आती हो? जी नहीं, रहना तो है, लेकिन जिस दिन जयंती रहती है उसी दिन आते हैं। वो हमारे संघ है, राष्ट्र निर्मित संघ है, एक पुलिस के लिए रहता हूँ, शास्त्रीय फोरम की मैं अध्यक्ष हूँ, वैसे अनिल दक्ष है उसके। क्योंकि आप अभी हमें अभी थोड़ा सा यहाँ का जो है साफ सफाई करते दिखाई दी, इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ आती हो, जहाँ जिस तरह की यहाँ की हालत हम देख पा रहे हो, सभी जगह कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब टाइम मिलता वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन सबका संगठन है बोलते, लेकिन एक संघ ही नहीं है, सब फूटी हुई है। आज कल ही विदर्भ के लिए हो गया था, क्या ऐसा करो वैसा करो, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि जैसे 23 जनवरी को अगर हम यहाँ आते हैं तो बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं, पुष्पहार अर्पण करते हैं, यहाँ पे रखरखाव रखते हैं, स्वच्छता रहती है, लेकिन आम दिनों की बात करें तो यहाँ का आलम जो रहता है बद से बदतर रहता है, क्या बताओगे? मैं तो नाश्ता लाती हूँ संघ के लिए, व्यवस्था करती हूँ, बाकी तो संघ करते हैं, उतना कुछ पता नहीं संघ, क्योंकि मैं बहू हूँ यहाँ की, अब माँ बन जा, अब रिटायर हो रही हूँ, मेरी बच्ची हैदराबाद और चेन्नई जा रहे, इसलिए मैं पूरा टाइम बोलूँगी कि शास्त्री के लिए दूँ।
तो जिस तरह से अभी इन्होंने बात कही है कि मैं पूरा टाइम यहाँ दूंगी, लेकिन और भी नागरिक है, प्रशासन है, सभी का कर्तव्य है कि यहाँ जो है रखरखाव हमेशा के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जो युग पुरुष है, जो थोर पुरुष है, इन्होंने अपना जो जीवन है अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए अर्पित किया था, और उन्हीं के प्रतिमा की जो है यहाँ का जो परिसर है, यहाँ की हालत खस्ता हुई है, कहीं ना कहीं सभी ने इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।